और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के मौसम के हाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में ठंड की वापसी हुई है। शीतलहर के चलते यहां पर लोग ठंड से ठिठुरने को मजबूर हैं। दिल्ली एनसीआर में किस तरह से एक बार फिर वापस ठंड ने यहाँ रुख बदला है और वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, जहां बाहर कोहरा भी छाया हुआ है और साथ ही एक बार फिर कुछ और दिन तक शीतलहर परेशान कर सकती है, ये कहना है मौसम विभाग का। और वजह है, जिस तरह से पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फीली हवाएं चल रही हैं, बर्फबारी हो रही है, उसके चलते दिल्ली एनसीआर में भी ठंड की ठिठुरन बढ़ गई है। ध्रुव मिश्रा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। ध्रुव, इस वक्त आप किस लोकेशन पर हैं और क्या हाल है दिल्ली एनसीआर में मौसम का इस समय? जी, मैं इस वक्त आईटीओ पर मौजूद हूं और मैं आपको बताऊं कि मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से पूर्वानुमान लगाया था बीते दिनों, जिसमें कि बारिश हुई थी और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई थी, उसके बाद से अब जो है आने वाले 2-3 दिनों तक कोई भी ऐसी बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन जो बर्फबारी हुई है उसके बाद से जो वहां से तेज हवाएं चल रही हैं पहाड़ों से, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ठंड बढ़ गई है। अगर मैं बीते दिनों की बात करूं तो टेम्परेचर में अचानक से गिरावट देखने को मिली है और आज की जो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, आज का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। और ये ठंड के हालात जो है आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही जारी रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ठंड सर्द हवाएं जो पहाड़ों से चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सब जगहों पर असर रहेगा। जी ध्रुव, साथ ही क्या AQI जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है और पॉल्यूशन में कुछ कमी दर्ज की गई है, क्योंकि कल बारिश हुई थी और बारिश के होने से क्या पॉल्यूशन में अब कुछ कमी दर्ज की गई है? जी बिल्कुल, आपको मैं बताऊं कि जैसे बीते दिनों जिस तरीके से AQI जो है 300 के पार था, तो अभी अगर आज की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि आसपास कोहरा उतना नहीं है और मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ जो है बीते दिनों की तुलना में है। लेकिन AQI की बात कहूं तो बीते दिनों जिस तरह से 300 के पार था AQI, अब उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन वो भी अभी पुअर कैटेगरी में ही है। आपको बताएं 267 के आसपास जो है AQI है, तो कहीं ना कहीं मौसम के जो 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 बारिश हुई है उसके बाद से जो है जिस तरह से कोहरे में थोड़ी कमी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें उतना सुधार नहीं है जितना उम्मीद जताई जा रही थी। जी ध्रुव, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में क्या है मौसम का हाल बता रहे थे हमारे सहयोगी ध्रुव मिश्रा, और एक बार फिर यहाँ शीतलहर परेशान कर सकती है, लेकिन अभी फिलहाल अगले 3-4 दिन तक बारिश नहीं होगी, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते, शीतलहर के चलते परेशानियां बनी रह सकती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।